दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव व महापौर धीरज बाकलीवाल के हाथों शहर की मुक्ति धाम के जीर्णोद्धार का भूमि पूजन हुआ। इस अवसर पर पार्षद, पूर्व पार्षद, युवा एवं महिला कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल रहे। प्रदेश में भाजपा सरकार सत्ता की बागडोर संभालते ही रुके कार्यों सहित विकास कार्यों पर लगातार जोर दे रही है। इसी कड़ी में 2 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से शहर के 8 मुक्तिधामों के कायाकल्प को लेकर तैयारियां की गई है, जिसको लेकर शहर विधायक गजेंद्र यादव, महापौर धीरज बाकलीवाल और रजनी विजय बघेल के मुख्य आतिथ्य में भूमि पूजन सम्पन्न कराया गया। बता दें, भाजपा शासन काल में शहर के मुक्ति धामों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिसे मुक्ति धाम परिसर में शेड निर्माण, पेयजल तथा बैठक व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी, शोक सांत्वना देने हॉल बनाया जाएगा। वहीं शासन से लगभग 2.5 करोड़ की स्वीकृति मिलने के बाद किए गए भूमि पूजन के तहत वार्ड 15, 17, 56, 57, 60 और 11 और साथ ही 50 के मुक्ति धाम शामिल हैं। इन मुक्ति धामों में बाउंड्री वॉल, बारिश के सीजन में कीचड़, पेवर ब्लॉक, शवदाह गृह शेड रिपेयरिंग, शवदाह गृह के नए शेड निर्माण, शोक सभा के लिए सभागृह, शौचालय, बैठने के लिए चबूतरा, साथ ही पेयजल व्यवस्था और अन्य निर्माण कार्य होंगे। रायपुर में सरकार बनती, सरकार बनते ही पुराने सब चीज है, रद्द हो गए। लेकिन क्या है, रहनियत रवैयत दुर्गे क्यों, ये शमशान ऐसे दुर्भाग्य से संयोग बोले है। विधायक बने के बाद लगातार मैं हर पूरा दुर्ग शहर के ये 8 में 6 ठो शमशान घाट में गए रहे हूँ। कुछ ना कुछ कखनो लोग कखनो काठी में, जहाँ गए वहाँ लोगों मन कहा है कि अरे रे बनवा देते, सोते बनवा देते शहर की। तो वो बार बार ध्यान में रहे कि एक जमाना में ये हरना धाम मुक्ति धाम देख देख लग रही से एला उन्हीं करके जरूरत है, बहुत उजाड़ पड़ रहे थे लोगों ने कही। और मैं जब पुलगांव का पुलगांव वाले जी कहना है, पार्षद जी कहा है, वो है कहा है कि भैया सब गर्व कर देगा मोर यहाँ शमशान घाट जारी करते हैं। निशान जी बधाई देता हूँ भाई, आपके मान के कारण आज पूरा शहर तर गए। हमारे भाई मूलचंद साहू जी पूर्व पार्षद के काठी में गए रहे हूँ, तो वहाँ के जो स्थिति देख के बड़ा चिंता हुई। तो उस समय विधायक नहीं बने रहे, गांव वाले कह रहे कि हमारे शमशान घाट है नहीं दिया, कॉलोनी वाले विरोध करते हैं। अब बस्ती बहुत पुराना है, कॉलोनी अभी बने हैं, हमारे किसी का सकते। तो अनमोल चंद भेल प्रणाम करा था उखरो, मैं बोला रहे भाई चिंता मत करो, मौका लगे सबसे पहले तुम्हारा यह बना दो। अब बने चालू हो गया, मैं अतिरिक्त पैसा आ गया, अब बहुत अच्छा बनी। मैं वार्ड नंबर 17 में हमारे पहलवान ही से अर्जुन अर्जुन पहलवान के काठी में पूरा शहर के बीचों बीच हवा वो उजाड़ पड़े थे। कदर जिससे अर्जुन सागरवंशी जी से पहलवान ही से अपना श्रद्धा सुमन देवर गे रहे हूँ, तो वो दिन वहां भी लगा कि अरे यार ये तो संघर्ष की है, हमारे गाँव बार एकदम हमारे पार्षद जी कहा है, साहू जी है, भाभी तो हमेशा कहा है कि बघेल भैया कुछ कर मत कर, शमशान घाट बहुत जरूरी करके कब्जा हो जाएगी। उड़ला वाले भैया पीछे बैठे हैं हमारे, वो कहा कि भैया एक हमारा अटल आवास में शमशान घाट देवे करके। तो बोल मन में इस एक ढोला दो दो दूसरा नहीं दो, तो बाकी की देख फलाने आदेश मोर यानी ने सकते। तो मैं एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।